अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। डीपीआर को कोई नहीं बदल सकता है और इन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि सरकारी फंड का दुरुपयोग मनमाने तरीके से गलत जगह किया। ये मामले हमने कई देखे हैं और निश्चित रूप से ये डीपीआर और तकनीकी स्वीकृति और भूतल परिवहन मंत्रालय के साइड को परिवर्तन करने का हक किसी को भी नहीं है, केवल भूतल परिवहन मंत्रालय के अलावा। ये इन्होंने मनमाने तरीके से किया है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और हम सरकार बनेगी इनको एक अपराध दर्ज करवाएंगे और उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी नेता है उनको सबको कटघरे में खड़ा करेंगे और इनसे रिकवरी भी की जाएगी, करवाई जाएगी, ये हमारा संकल्प है। देखिए, हमने तय समय अनुसार, तय घोषणा अनुसार कोई चोरी छिपे नहीं किया है। 8 दिन पहले माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र दिया था कि आप देवास की जनता के हितार्थ जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो पैसा माननीय सज्जन वर्मा जी लेके आए 250 करोड़ रुपए, देवास में बच्चा बच्चा जानता है, उस ब्रिज को बने को जो इन्होंने बीजेपी ने डिजाइन परिवर्तित कर दी, परिवर्तन के पश्चात भी जब ब्रिज बन गया 45 दिन के पहले बन चुका है और ठेकेदार ने लिख के दे दिया है कि ब्रिज कम्प्लीट हो गया, तो फिर चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या नेताओं के उद्घाटन के चक्कर में देवास की जनता तरसती रहे सुविधाओं को? आप उद्घाटन करा लो, प्रधानमंत्री से करा लो, मुख्यमंत्री से करा लो, राज्यपाल से करा लो, जिससे मर्जी आ करा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की थी कि 2-4 दिन तो समझ में आते हैं, 45 दिन बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रही थी। आज हमने जनता को, जनता के द्वारा समर्पित कर दिया वो पैसा जो कांग्रेस शासन ने दिया था। इनका पहले तो संवैधानिक अधिकार बनता ही नहीं है कि उद्घाटन करें, सरकारें तो आएगी जाएगी, एक ढेला पैसा ही लेके नहीं आए सांसद जी और विधायक जी के देवास को नई सौगात दे दें। कहाँ है उज्जैन रोड का 4 लेन का पैसा? बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि 112 करोड़ आ गए, अरे 112 रुपए नहीं आए आज तक। 112 करोड़ की बात तो छोड़िए, इनकी हैसियत नहीं है कि सज्जन वर्मा जी की बराबरी कर लें। 250 करोड़ रुपए लाने के लिए कलेजा चाहिए, जाके दे उठा के देख लें, वल्लभ भवन में हस्ताक्षर कमलनाथ जी के हैं, उस फाइल पे देख लें हस्ताक्षर सज्जन वर्मा जी के हैं जो पैसा अलॉट किया गया। आज हमने इसका ब्रिज उद्घाटित कर दिया, जनता के द्वारा जनता को समर्पित कर दिया। आपने ब्रिज का नामकरण भी किया? नामकरण हमने किया फिसल पट्टी, एक हमने उसका नाम किया था जबरन का ब्रिज था वो, चूंकि उसकी डिजाइन बदल दी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ आप देखें कितने लोग फिसलते हैं, आगे आप खुद पत्रकार साथी चेक कर लें, इतनी फिसलन है। चूंकि सोयाबीन मंडी में आता है ये बात का ध्यान नहीं रखा गया तकनीकी रूप से, बड़ी बड़ी बातें कर ली, इनके अज्ञानी नेता है, एक नेता को ज्ञान नहीं तकनीकी रूप से। यहाँ सोयाबीन आता है, जो गिरती है सोयाबीन उसकी वजह से फिसल पट्टी बन जाती है, किसान गिरते हैं, स्टूडेंट गिरते हैं, महिलाएं गिरती है। मैंने पिछली बार भी DSP महोदय को फ़ोन किया था, SDM साहब को, जब लोग गिर रहे थे आपको पता होगा हमने आंदोलन किया जब ब्रिज बन रहा था। आज फिर कह रहे हैं ये ब्रिज फिसलन पट्टी के रूप में बनाया गया, आप उठा के देखेंगे डिजाइन बनता है सब ब्रिज का,
जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये बाले बाले जो इन्होंने काम करा, चुराई हुई सरकार का चुराया हुआ धन और चुराई हुई तकनीक से जो काम किया है, जनता इनको घर भेजेगी, ये तय है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए पुलिस की मर्जी है, वो तो तानाशाही सरकार चल रही ना, ये तो तानाशाहों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। हमने उद्घाटन कर दिया, अब उनकी मर्जी है, बंद करे चालू करे उनकी मर्जी। आज जनता आपके सामने निकली, फोर व्हीलर निकले, पब्लिक निकली, हमने जबरदस्ती नहीं किया। जब पब्लिक निकलना चाहती है तो जनता के खिलाफ ये कौन होते हैं इसे बंद करने वाले? आज नहीं तो कल फिर गेट खोल दिए जाएंगे इसके। ग्रुप से कांग्रेस सरकार आएगी तो जो इन्होंने चेंज किया है डिजाइन को, और जो दोषी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, तय मान के चलिएगा। जनता के बैरिकेड खोलकर रोड पर जाने का प्रयास किया गया, जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया है, और जैसे भी अगर आगे पुलिस कार्रवाई प्रस्तावित करती है तो हम। मैडम काफी देर तक उज्जैन की पूजा पाठ करके कांग्रेसियों ने पूरा बीच चालू किया, आवागमन भी चालू किया गया, पुलिस के हमारी पूरी पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास भी किया गया है, और आगे जो भी कार्रवाई होगी। उद्घाटन हुआ था और कहीं ना कहीं बीच पे गाड़ी निकालने का प्रयास भी किया था, आपने रुका भी है, कहीं बुज्जतबाजी भी क्या कहना चाहिए? कुछ लोगों ने उधर से गाड़ियाँ छोड़ दी थी, इन गाड़ियों को वापस पलटा दिया गया है और ब्रिज को बैरिकेड कर दिया गया है। सर आपसे किसी ने उज्जतबाजी करी ये करी थी क्या? सामान्य उज्जतबाजी कितनी हुई है, जो एक माहौल होता है भीड़ का, उसके हिसाब से कोई उज्जतबाजी नहीं। सर गाड़ी भी जबरन ऊपर लेके आ रहा है तो? हाँ गाड़ी लेकर आए थे, वापस पलटा दी। सर क्या बैरिकेड वापस लगा दिया गया? जी वापस बैरिकेड लगा दिया गया। बताइए कांग्रेसी यहाँ ब्रिज पे आए, उन्होंने जो है विधिवत उनका कहना शुभारंभ भी किया, पुलिस ने उनको रोका लेकिन बैरिकेड तोड़ के वो निकल गए, क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कहना? ये अभी पुल का जो है यहाँ निर्माणा जी में पुल अभी पूरी तरह से उसका निर्माण होके कंप्लीट होके और सपोर्ट नहीं होता तब तक पुल चालू नहीं होता, इसलिए इसमें बैरिकेड लगा के रास्ता रोका हुआ है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। किंतु बीच में जो है पार्टी विशेष या संगठन विशेष के द्वारा यहाँ आकर व्यवस्थी निकलने का प्रयास किया, उनको समझाई देते बताया गया कि अभी उस पुल पे जानना नहीं है जब तक कोई हैंड ओवर नहीं होगा, परंतु वो कुछ लोग जो है व्यवस्थी जाने का प्रयास किया, पुनः पुलिस के द्वारा बैरिकेड हटा के उनने जाने का प्रयास किया, जो बैरिकेड लगा दिए गए और सभी लोग अपने अपने चले गए। क्या इस पर कार्रवाई होगी सर? जबरदस्ती घुसे हैं सर, कहीं ना कहीं नहीं अभी देखिए आम पैदल तो लोग आवागमन कर लेते हैं, जाना लेकिन बैरिकेड गिरा के जो है धक्का देके पुलिस को हटा के उन्होंने अपना प्रयास किया था, लेकिन उसको हटवा दिया गया है। और एक और तो कुछ वाहन भी चला दिया, कोई वाहन पुल पर नहीं चला है, तो जब हैंड ओवर होगा इसका उद्घाटन होगा उसके बाद ही कर रहे हैं। करने कुछ कांग्रेसी नेता लोग वहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेसी विपक्षी हैं, विपक्ष का अपना धर्म निभा रहे हैं, उन्हें जो उचित लगे वो कर रहे हैं, हम लोग हमारे काम पे फोकस करते हैं, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। वैसे ब्रिज का ओपनिंग कब कर रहे हैं? ब्रिज का ओपनिंग हमने समय मांगा है प्रभारी माननीय प्रभारी मंत्री जी से, जैसे ही समय आएगा करेंगे, ये हमारा प्लान के मुताबिक चल रहा है, जब समय तय होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। कांग्रेस को मालूम है कि बहुत जल्दी ओपनिंग होने वाला है, इसलिए ये आज का कार्य किया उन्होंने, ताकि बोलने को हो सके कि हमने ये किया इसलिए इन्होंने ओपनिंग किया। तो हम हमारे शेड्यूल से चलते हैं, काम करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।